तो हरियाणा में कल मतदान होगा, इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान को लेकर पंचकुला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। डीसीपी पंचकुला हिमाद्री कौशिक ने बताया कि मतदान के लिए सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को मुस्तैद रहने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि सेक्टर 1 गवर्नमेंट कॉलेज में मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग ऑफिसर्स रवाना हो रहे हैं। हिमाद्री कौशिक ने बताया कि पंचकुला और कालका विधानसभा क्षेत्र में 455 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त फोर्स रहेगी। डीसीपी पंचकुला ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचकुला जिले में 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पंचकुला और कालका, और इसके लिए पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे डिस्पैच सेंटर में हमारी पूरी फोर्स रिपोर्ट कर चुकी है। हमारे पास 2200 के फोर्स है। इसके अलावा हमारे पास अर्धसेना बल पैरामिलिट्री भी है और ये हम बूथ पे डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा हमारी जो पेट्रोलिंग टीम्स भी तैयार हैं जो पूरे एरिया में गश्त करेंगी और इंश्योर करेंगे कि पूरा मतदान पीसफुली हो जाएगा। हमारे 13 अंतर्राज्य नाके हैं जिसपे दूसरे स्टेट्स जो हैं जिनके साथ ये नाके हैं उनकी तरफ से भी नाका लगाया गया है, मिरर नाका, और हमारी तरफ से भी यहाँ कंटिन्यूसली एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसी सामान ना आए जिससे इलेक्शन अफेक्ट हो पाए।